उधर सरोज पांडे जी ने बात, सरोज पांडे जी से बात की, अमिताभ सिन्हा ने, वो सुनते हैं। भारी बहुमत की ओर बढ़ रही है बीजेपी शिवसेना। निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत किया है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बहुत मेहनत किया है और जनता का आशीर्वाद मिलेगा क्योंकि काम उनके लिए हुआ है। तो मुझे लगता है कि हम स्पष्ट बहुमत की ओर आगे बढ़ेंगे। काफी तलखियां आ रही थी शिवसेना के साथ, तो क्या माना जाए कि सारे तलखियों को अब भुला दिया गया है? नहीं, जब परिवार रहता है तो परिवार के साथ ये सब चीज़ें बहुत स्वाभाविक हैं, होनी भी चाहिए। अपनी कुछ बातें आप रखें, हम अपनी बातों को आपको कहें, उसमें से जो समझौता हो सकता है, जिन बातों को आप माने, तो हमने उनकी जो अच्छी बातें थी उन्हें माना है, उन्होंने भी हमारी कुछ बातों को माना है। हम बहुत लंबे समय तक साथ रहे हैं और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर हम एक हैं। ये मुद्दा ऐसा मुद्दा है जिस पर हम किसी के साथ भी रह सकते हैं। राष्ट्रवाद के मुद्दे से उम्मीद है बीजेपी को वो पूरा क्लीन स्वीप कराएगा जैसा एग्जिट पोल के आंकड़ों में दिख रहा था। क्या वो आंकड़े नतीजों में तब्दील होते हैं, वही उसी का इंतजार है 8 बजे से, जब ये काउंटिंग शुरू होती है। हम चलते हैं अब मोहित मल्होत्रा के पास, अंबाला काउंटिंग सेंटर में वो मौजूद हैं। मोहित, क्या हलचल है अंबाला में? देखिए, हलचल तो काफ़ी है और ऐसे लग रहा है कि इस पूरा जो मतगणना केंद्र है उसको एक तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा, सनातन धर्म कॉलेज है और उसके नीचे आपको लाहौर लिखा हुआ मिलेगा। 100 साल पुराना ये कॉलेज है, क्या यहाँ से इतिहास बनेगा? अनिल विज अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं वो, ना सिर्फ अपनी जीत बल्कि पार्टी की बड़ी जीत का दावा कर रहे हैं हरियाणा से। और मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा किशोर, कि अगर हम 2009 के जो नतीजे आए थे उसमें बात करें, जब कांग्रेस ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में रिपीट किया था, तब सिर्फ 40 सीटें आई थी कांग्रेस को और हरियाणा जनहित कांग्रेस के विधायकों को तोड़ा था कांग्रेस ने, अपने साथ मिलाया था, निर्दलियों का सहारा लिया था, फिर सरकार बनाई थी। लेकिन यहाँ पर बीजेपी जब दोबारा वापसी करने की कोशिश कर रही है, तब वो 75 पार का नारा लेकर जा रहे हैं। एग्जिट पोल्स ने उनका हौसला काफ़ी बढ़ा रखा है, लेकिन आज एग्जिट पोल क्या सही साबित होंगे ये देखने वाली बात होगी। तो अब से थोड़ी देर में स्थिति साफ हो पाएगी, लेकिन अंबाला कैंट काफ़ी ऐतिहासिक सीट है। 7वीं बार अनिल विज इस सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, 5 बार वो MLA रह चुके हैं, यहाँ से फिर जीतेंगे, फिर कैबिनेट में पहुंचेंगे, हरियाणा में सरकार बनेगी या नहीं। अच्छा, रोक रहा हूं आपको, सुनीता फोगाट जी कुछ कह रही हैं, वो उनको सुन लेते हैं। कुलदीप बिश्नोई को चुनौती दे रही है, बड़ा ईमानदारी के साथ कर रही है, तो लोगों का मन बना है इस बार। मतलब आपका कहना है कि इस बार किला ध्वस्त हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल। और क्या क्या ऐसे मुद्दे रहे मैम जो आपके फेवर में गए होंगे, आपको लग रहा है चुनाव प्रचार के दौरान? मुद्दे देखिए, जब विधायक रहते हुए 5 करोड़ रुपया जो मिला विधायक को, वो पैसा नहीं लग पाया, उसके उल्टा 700 करोड़ रुपए का विकास। प्रियंका कांडपाल के पास चलते हैं रोहतक, उधर क्या हलचल है प्रियंका? कुछ रोहतक वालों को उम्मीद है कि कुछ पलटेगा मामला पर। जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के घर पे इस वक्त हम मौजूद हैं और अभी थोड़ी देर पहले ही जो दरवाजे हैं वो खोले गए हैं। यहाँ भी बताया जा रहा है कि खुद हुड्डा साहब जो है वो उठे नहीं हैं, फिलहाल देर रात दिल्ली से लौटे हैं। लेकिन समर्थकों की अगर बात करें तो इक्का दुक्का समर्थक फिलहाल अभी नजर आ रहे हैं, लेकिन उम्मीद यही की जा रही है कि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा तो समर्थक कम से कम यहाँ पर आएंगे। और फिलहाल हरियाणा में बात करें तो ये ही एपिसेंटर है कांग्रेस के लिए। ये इस बार का सबसे बड़ा सवाल रहेगा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जो कांग्रेस ने भरोसा जताया है उसका क्या असर हो रहा है। फिलहाल भूपेंद्र हुड्डा दोनों घर के अंदर मौजूद हैं और उम्मीद यही की जा रही है कि थोड़ी देर बाद मीडिया से भी वो मुखातिब होंगे। क्या उनके मन में चल रहा है वो फिर हम दर्शकों को जरूर पहुंचाएंगे। जी किशोर, चलिए अब चलते हैं।